नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूं गाइडलाइन अंडर सेक्शन 9B और सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सीबीडीटी ने 2 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उन्होंने न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 9B और 45(4) जो सब्स्टिट्यूट किया गया है एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा उसके बारे में गाइडलाइन इशू किया है। तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इस गाइडलाइंस को में जो सेक्शन है सेक्शन 9B और 45 सब सेक्शन 4 ये एग्जैक्टली कहता क्या है। इसमें जो है आपका जो कैपिटल एसेस या स्टॉक इन ट्रेड कोई फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अपने पार्टनर या मेंबर को करता है तो उसके रिगार्डिंग जो टैक्सेबिलिटी आएगी इसके लिए गाइडलाइन दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 9B एक्चुअली कहता क्या है, क्यों लाया गया ये सेक्शन। तो सेक्शन 9B जो है देखिए जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे इनकम और रिसिट ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी। दोस्तों यहां स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब है फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वहीं पे स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है पार्टनर या मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो फर्म से पार्टनर या AOP या BOI से उसके मेंबर को अगर कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक एंड ट्रेड अगर ट्रांसफर होता है तो एज पर सेक्शन 9B जो है ये कहता है कि जहां कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन पार्टनर या मेंबर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड रिसीव्ड और बोथ फ्रॉम ए स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब पार्टनरशिप फर्म या AOP या BOI से लेता है इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। इन दैट केस क्या होता है स्पेसिफाइड एंटिटी शैल बी डीम्ड टू बी हैव ट्रांसफर्ड। इस केस में माना जाएगा कि स्पेसिफाइड एंटिटी ने डीम्ड टू बी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ एज द केस में बी टू स्पेसिफाइड पर्सन in the year in which such capital asset or stock and trade are both received by the specified person. जब वो received किया है उस previous year को deemed transfer माना जाएगा capital asset या stock and trade। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ इसमें profit and gains जो इस deemed transfer से होंगे वो deemed income माना जाएगा specified entity का in received by the if received by the such specified person कब माना जाएगा in previous year जब वो received करेगा specified person और chargeable होंगे capital gain या PGPP head के अंदर as per the accordingly provision of the applicable provision। दोस्तों यहाँ पर जो transfer होंगे जिस date को received कर रहा है specified person उस date का जो fair market value होगा डिम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन होगा। फर्दर इन्होंने कहा इस सेक्शन में कि अगर इसके रिगार्डिंग कोई डिफिकल्टी अराइज होगी सेक्शन तो वो और 45 सबसेक्शन 4 के इफेक्ट में देने के कारण अभी सेक्शन हम लोग 45 सबसेक्शन 4 भी देखेंगे तो डिपार्टमेंट क्या करेगी उसके लिए गाइडलाइन इशू करेगी और ये गाइडलाइन पार्लियामेंट में पेश होगा लेट डाउन होगा और जो बाइंडिंग होगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड SSC दोनों पे बाइंडिंग होगा। दोस्तों जनरली हम देखते हैं कि सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट में बाइंडिंग होता है SSC में बाइंडिंग नहीं होता है लेकिन ये जो सर गाइडलाइन इशू हुआ है अंडर दिस सर्कुलर जो नया वाला गाइडलाइन है और ये अगर पार्लियामेंट ऑफ हाउस में लेट डाउन होता है और पास होता है तो वहां पे ये क्या होगा शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द टैक्स अथॉरिटी एंड SSC। इस सेक्शन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन इसको डिफाइंड किया गया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी पार्टनर वन या मोर पार्टनर या मेंबर जो है सीज टू बी पार्टनर और मेंबर है। दूसरा कंडीशन है एक या एक से ज्यादा पार्टनर या मेंबर एडमिटेड इन सच स्पेसिफाइड एंटिटी इन सच सर्कमस्टेंसेस दैट वन और मोर ऑफ द पर्सन हु वेयर पार्टनर और मेंबर्स एज द केस में बी स्पेसिफाइड बिफोर द चेंज कंटिन्यू एज द पार्टनर और पार्टनर member as the case may be and third or with a change in the third jo hai all the partner or member
ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी शैल कंटिन्यू विद अ चेंज इन द रेस्पेक्टिव शेयर और इन द शेयर्स ऑफ सम ऑफ देम। तो इवन वो कंटिन्यू रहते हैं विद चेंज ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी समझा जाएगा। इसके अलावा स्पेसिफाइड एंटिटी को डिफाइन किया गया फर्म एओपी बीओआई नोट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्दर स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब उसके पार्टनर या फिर मेंबर ऑफ द एओपी बीओआई। तो दोस्तों ये सेक्शन 9 भी लाया गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए एक्चुअल रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनर या मेंबर ने एक्चुअली रिसिप्ट किया है ठीक है नॉट कंस्ट्रक्टिव रिसिप्ट जैसे मतलब टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। अगर पार्टनर अकाउंट में डेबिट किया और एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ इन द बुक्स ऑफ द फर्म देन इट कैन दिस विल बी नॉट कंसीडर फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेक्शन। एक्चुअल रिसिप्ट इज इंपॉर्टेंट। फर्दर इट इज नेसेसरी दैट बोथ द इवेंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट बी इन द सेम प्रीवियस ईयर्स में होना चाहिए। Further, if dissolution had taken place in financial year 1920 and assets are distributed in financial year 21, in that case, section will be applicable in 21. So, what is essential is nexus between the dissolution, reconstitution, and distribution. Jab received hoga. Further, section 45, subsection 4 ki baat kiya hua hai. So, ye substitute kiya hai. Pahle kya tha ki dissolution of the specified entity था वहां पर। अब वहां पर न्यू प्रोविजन टेक्स इन टू कंसिडरेशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी रादर देन डिसोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। दोस्तों अब जहां रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे परमुटेशन कमीशन लग गए, कोई मेंबर सीज करता है, कोई है जो ज्वाइन करता है, या फिर जो सारे मेंबर हैं रेस्पेक्टिव शेयर चेंजेस के बाद उसमें ज्वाइन करते हैं तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म स्पेसिफाइड एंटिटी। दोस्तों अब समझते हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। ये सेक्शन जो कहता है इसमें है जो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब पार्टनर या फिर मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई अगर रिसीव्ड करता है स्पेसिफाइड एंटिटी से इन दैट केस कहते हैं कि यहां पर देखिए कि एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम सच रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द फर्म एओपी बीओआई अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच Associated entity of the previous year in which is such money or capital asset or both were received by the associated person। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। यहाँ फॉर्मूला हम देख रहे होंगे A is equal to B plus D C minus D जहाँ पर A जो है income chargeable under income tax under the head capital gain of associated entity and is equal to B, जो वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव्ड प्लस सी अगर कोई फेयर मार्केट वैल्यू जो है कैपिटल एसेट का वो अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव्ड रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट represented in any manner of the specified person in the books of the account of the entity at the time of its reconstitution। दोस्तों अगर यहां पर अगर A की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है इन दैट केस ये माना जाएगा इसकी वैल्यू जो है जीरो समझा जाएगा। फर्दर इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफाइड एंटिटी सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड एसेट को भी डिफाइन किया गया है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन में जोड़ा गया उसमें कहा गया कि सेक्शन 9 भी जो है जो अभी हमने ऊपर देखा और ये जो सेक्शन 45 सेक्शन 4 जो है ये वर्क आउट इंडिपेंडेंटली मतलब दोनों के अंदर अलग अलग टैक्स प्रोविजन हैं और दोनों अलग अलग ऑपरेट होंगे।
अब समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 48 क्लॉज 3, इसके इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन पार्टनर या मेंबर है जो है एओपी बीओआई का फर्म का विद रिस्पेक्ट टू द साइड ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट और स्टॉक इन टेक स्पेसिफाइड पर्सन शैल रिसीव डिडक्शन to the tune of the amount which has already been taxed in the hands of the specified entity. So specified entity, jahan section 9B or 45 subsection 4 ke andar taxable ho gaya, to uska yahan par 45 subsection 4 ka jahan par uska yahan par reduction mil jayega. Section 48 mein aap dekh rahe honge, section 48 mein bataya gaya mode of the computation of the capital gains. इस सेक्शन के अंदर बताया गया कि कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रू एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट द फॉलोइंग अमाउंट. क्या क्या वहां से डिडक्ट होगा? पहला एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर एंड सेकेंड कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द एसेट एंड कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट. एंड जो न्यूली इंसर्टेड जो है क्लॉज 3 जो इसका है कहते हैं इन केस ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी मनी और कैपिटल एसेट रिसीव्ड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 द अमाउंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज अमाउंट ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर दैट सेक्शन व्हिच इज अट्रिब्यूटेबल टू द कैपिटल एसेट. ध्यान दीजिएगा, अट्रिब्यूटेबल टू द कैपिटल एसेट बीइंग ट्रांसफर बाय द स्पेसिफाइड एंटिटी कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. तो यहां पर ये प्रोविजन है सेक्शन 9B सेक्शन 45 सबसेक्शन सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 48. अब डिपार्टमेंट ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन इशू की है. दोस्तों अब हम लोग यहां पर गाइडलाइन एक बार रेफर करते हैं. दोस्तों देख रहे होंगे ये सर्कुलर जो है 2 जुलाई 2021 को इशू हुआ. इस सर्कुलर में सबसे पहले उन्होंने सेक्शन का रेफरेंस दिया जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सेक्शन 9B और 45 सबसेक्शन 4. अब अब इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइन इशू किया वो क्या इश्यूज थे जिसके लेकर गाइडलाइन इशू किए गए. तो बताया गया है कि इट इज नोटिस दैट अमाउंट टैक्स अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 45 जहां पर आपने देखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी जो देखा तो हाँ क्या था इज रिक्वायर्ड टू बी अट्रिब्यूटेड टू द रिमेनिंग कैपिटल एसेट ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी. ठीक है, वो जितना टैक्स यहां लग गया वो अट्रीब्यूट किया जाएगा रिमेनिंग कैपिटल एसेट ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी सो दैट व्हेन द सच कैपिटल एसेट गेट ट्रांसफर इन फ्यूचर द अमाउंट अट्रीब्यूटेड टू सच कैपिटल एसेट्स गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन एंड टू दैट एक्सटेंट अ स्पेसिफाइड एंटिटी डज नॉट पे टैक्स अगेन ऑन द सेम अमाउंट. दोस्तों फर्दर नोटिस ये किया गया कि दिस अट्रीब्यूशन इज गिवन इन द एक्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट. इट मे बी सीन दैट सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट ओनली अप्लाइज टू कैपिटल एसेट व्हिच आर नॉट फॉर्मिंग ब्लॉक ऑफ द एसेट. ठीक है, तो फॉर दिस रीजन दिस गाइडलाइन बी इशू for capital asset forming block of asset there is the sub clause c of clause 6 of section 43 6c of the act to determine wdv of the block of the asset and section 50 of the act to determine capital gain arising on transfer of such asset. However, the act has not yet provided that amount tax under section 45 subsection 4 of the act can also be attributed to the capital asset forming part of the block of the asset and which are covered by this provision. So kya tha ki ye pehle se 45 subsection 4 jo tha jo capital asset the usi par attributable tha aur jo capital asset block of the asset ka jo part tha us par attributable nahi tha.
इसको रैशनलाइज किया गया है सर्कुलर के द्वारा. टू रिमूव डिफिकल्टी इट इज क्लेरिफाइड दैट रूल 8AB ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 by this notification 76 issued on 2nd July 2021. एक रूल लाया गया 8AB, तो वो क्लेरिफाई करता है कि also applies to capital asset forming part of the block of asset wherever the term capital asset is appearing in the rule 8AB of the rules, it refers to the capital asset whose capital gain is computed under section 40 of 8 of the act as well as capital asset forming part of the block of asset. मतलब देखिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा गया इसमें कि जो आप कैपिटल एसेट जो यहां पर 8AB में जो अपीयर होगा उसे कैपिटल एसेट whose capital gain is computed under 48 के अलावा कैपिटल एसेट जो ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट होगा उस पर भी अप्लाई होगा. फर्दर wherever reference is made for the purpose of section 48 such a reference will be deemed to be included kya karega kya jayega 43(6)(c) aur 50(k) par bhi wo apply hoga deemed to be apply. Further removal of the dot is further clarify that in case of the capital asset remaining with the specified entity is forming part of the block of asset, the amount attributed to such capital asset under rule 8AB of the rule shall be reduced from the full value of the consideration received or accruing as the result of subsequent transfer karenge to dono reduce hoga of such asset by the specified entity and the net value of such consideration shall be consider for reduction from the WDV of such block under 43(6)(c) of the act or for the calculation of the capital gain under section 50 of the income tax act. For the purpose of understanding and removing difficulty, department ne kya kiya hai, teen example diye hain. Ye teen example jab aap go through honge to aapko ye jo provision ka critical applicability hai wo samajh mein aa jayega. हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक दो एग्जांपल लिया जाए जिससे इस सेक्शन को बेटर तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सके. आप इसको इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाके सर्कुलर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके एग्जांपल को आप वर्कआउट कर सकते हैं. ऐसे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे इसको हम लोग खुद प्रैक्टिकली कैसे डिपार्टमेंट ने इसको बताया है. तीन एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इसको आप समझ सकते हैं, इस सेक्शन को, इस गाइडलाइन को आप समझ सकते हैं. Thank you so much for watching this video. In case of you have any query or doubt, you may drop your message in comments box. Thank you so much.